उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गोली लगने के बाद जहां गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली तो वहीं दो बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में दो दिन पूर्व मोटरसाइकिल लूट की घटना से आहत पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों को वाहन चेकिंग के आदेश व निर्देश दिए गए थे। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में दो दिन पूर्व मोटरसाइकिल लूट की घटना से आहत पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों को वाहन चेकिंग के आदेश व निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में दिल्ली रोड पर जब देर रात्रि मेरिनो इंडस्ट्री के बाहर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एक गाड़ी से आए तीन बदमाशों को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस पर फायरिंग कर जंगल की ओर भागने लगी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर एसओजी टीम दिव्या के साथ कार्रवाई करते हुए जब बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की तो पुलिस की गोली एक बदमाश शहनवाज पुत्र हाजी भूरा निवासी सिकंदर गेट कोतवाली नगर हापुड़ के पैर में लग गई और वह गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे जहां गिरफ्तार कर लिया तो वहीं अंधेरे का लाभ उठाकर उसके दो साथी जंगलों में फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी पुलिस द्वारा काफी खोजबीन की गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घायल बदमाश को जहां उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया तो वहीं घायल बदमाश के पास से दो दिन पूर्व गार्ड से लूटी हुई एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। कैमरामैन मोनू के साथ सलमान खान की रिपोर्ट। नगर कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है, क्या कौन बदमाश है, क्या क्या बरामद की हुई है? ये अभी हमारे यहाँ दो दिन पहले ही एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी, जिसको देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से पूरे जनपद में चेकिंग का आदेश हुआ था। हम अपने सर्किल में चेकिंग करवा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी टीम जो है कोतवाली नगर की टीम सबली मेरिनो के पास मेन रोड पे दिल्ली मेरठ हाईवे पर चेकिंग कर रही थी। तीन लड़के उधर से आए गाड़ी से, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, उन्होंने वहीं फायर करते हुए सबली जंगल की तरफ भागे, जिनका पीछा किया गया और लेपर्ड हमारी पुलिस टीम के द्वारा उनको घेरा गया। एसओजी टीम भी तत्काल पहुंच गई और मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ, दो भाग गए हैं और जिनकी कम्बिंग की जा रही है, खोजा जा रहा है उनको, जल्द ही वो भी पकड़े जाएंगे। बरामदगी क्या क्या हुई है मौके से? बरामदगी जहां वो चोटिल हुआ बदमाश, वह उसके पास से 315 का असलाह एक मिला हुआ है, एक स्प्लेंडर बाइक मिली हुई है, ये भी मुझे लग रहा है संदिग्ध है। स्प्लेंडर बाइक की अभी हम लोग पता करा रहे हैं कि ये बाइक कैसी है, हमें लग रहा है कि अभी ये चोरी की या लूट की ही हो सकती है, क्योंकि ये बदमाश हैं तो अपनी पर्सनल बाइक लेकर के चलना संभव नहीं है इनके लिए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U News को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।